दरभंगा, दरभंगा बिहार का प्रमुख जिला है, मिथिलांचल का एक प्रमुख शहर है और इस वक्त हम खड़े हैं दरभंगा के लहरिया सराय। लहरिया सराय दरभंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। दरभंगा इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत आज़ाद के बेटे कीर्ति आज़ाद, जो 1983 में वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जीती थी टीम इंडिया, उसके भी सदस्य रहे हैं और वो यहाँ से सांसद बनते रहे और अभी भी वर्तमान सांसद यहाँ पे हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार उन्हें टिकट जो दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और टिकट मिला है उन्हें धनबाद से, धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल दरभंगा की बात करते हैं, द्वार बंग दो, ये संस्कृत में दो शब्द हैं, उससे दरभंगा बना है और बंगाल का द्वार इसे कहा जाता है। और दरभंगा का प्रमुख व्यवसाय वैसे तो बहुत कुछ है, मखाना की खेती के लिए भी जाना जाता है इसको, लेकिन मछलियाँ, चूँकि मिथिलांचल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मछलियों का व्यवसाय दरभंगा में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ व्यवसायी जो मछलियों का व्यवसाय करते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है और चुनाव का वक्त ही ऐसा होता है जब लोग अपनी समस्याएं नेताओं तक रख सकते हैं। आप बताइए सर, आप जुड़े हैं इस व्यवसाय से, क्या परेशानियां होती हैं आप लोगों को या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है? देखिए, धरती पर जिंदगी जब तक होता तब तक परेशानी सबको है, चाहे नेता हो, चाहे गरीब से गरीब बिजनेसमैन हो, चाहे लेबर क्लास का आदमी हो, जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगा। हम लोग है कि इस 5 साल में जब तक कमल छाप का राज रहेगा तब तक शांति रहेगा, और लालटेन का राज अगर आ गया तो आतंक चालू हो जाएगा, लूट मार जाई गई, खून खराबा इधर उधर और करप्शन बढ़ जाएगा। हम लोग को लेकिन इस बार तो बड़े असमंजस की स्थिति बन गई यहाँ पे। कीर्ति आज़ाद इस बार थे सांसद, आप लोग के अभी भी हैं सांसद वही यहाँ के, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है कीर्ति आज़ाद चले गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया, चले गए धनबाद लड़ने, अब नए नेता आए हैं, तो क्या लगता है वो कितनी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे आपके? देखिए, वो तो ये कहते हैं पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक अपने दिमाग अपने स्तर से सोचेगा क्या क्या हमको सुविधा मिला है। मोदी पर भरोसा है? हाँ, मोदी जब तक रहेगा देश आगे बढ़ेगा, जब तक मोदी जब हट जाएगा तो बुझे कि 25 साल पीछे और चल जाएगा, लूट मार चालू, करप्शन चालू, जो गरीब था वो गरीब और गरीब हो जाएगा, जो अमीर था और अमीर हो जाएगा। एनडीए के पक्ष में एक बार फिर से आपसे जाना चाहेंगे सर, आप बताइए, चुनाव एक बार फिर सर में है और सर पर है और नेता जो है फिर से आम लोगों के बीच आना शुरू कर दिए हैं, लोगों के बीच दिखाया, ऐसे तो चुनाव के बाद नज़र नहीं आते, ये आरोप लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में तो काम हुआ है और हम यही कहेंगे एक बार और बीजेपी को चांस मिलना चाहिए, एक बार और बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ मछली का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों से मैंने बात की और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या परेशानियां होती हैं। चाची, आपसे पूछना चाहेंगे, चुनाव है, क्या आप लोगों को सुविधा चाहिए जो नहीं मिल पाता है, ये बताइए। हमको क्या सुविधा चाहिए सर? सरकार से, नेता से कुछ तो उम्मीद करते होंगे ना? हम लोग क्या कहेंगे, जो सरकार करेगा वही होगा, हम लोग दो वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। आप बताइए। हम लोग सर तो बीजेपी का सरकार चाहते हैं, सुविधाएं मिली हैं, मिलता है, गरीब को मिला है, इंदिरा आवास सब मिला है, सब गरीब को घर बनाया गया है, जिसको शौचालय नहीं था उसको शौचालय बनाया है, बहुत ऐसा सुविधा है जो मिला है, सब्सिडी गैस मिला है, बहुत ऐसा सुविधा है जो मिला है मोदी। सुविधाएं तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है पहले की सरकार, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच पाता था आम लोगों तक, जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाया था, क्या कमी मान? उस सब का अपना राजनीति था, जहाँ पर 100 को फंड आता था तो 80 को फंड जेबी में, 10 को 20 को फंड जाता था पब्लिक में, तो कैसे पहुंचेगा? यहाँ मोदी सरकार के अथी में तो पूरा मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, यानी संतुष्ट हैं और मोदी सरकार और मोदी सरकार के क्रिया कलापों से संतुष्ट हैं। हम कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं जो मछली का व्यवसाय करते हैं यहाँ पे और ये इनकी जीविका है। सर, इस बार फिर चुनाव है सर पे, नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं, आप बताइए ना, क्या उम्मीद करते हैं? नेता तो नरेंद्र मोदी तो जितवे कर रहा है यहाँ से, संतुष्ट है क्रियाकलाप? संतुष्ट है, संतुष्ट। चलिए, तो ये
संतुष्ट हैं यहाँ पे बीजेपी सरकार के कामकाज से, नेताओं के काम से? आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या कहेंगी कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, फिर नेता आपके शहर में है, कीर्ति आज़ाद अब नहीं रहे, उनकी जगह दूसरे नए नेता आए हैं आपके बीच, बावजूद इसे क्या बीजेपी को आप लोग चाह रहे हैं, चूँकि अब तक जो आया है यही बात सामने आ रही है? मोदी के सरकार बनाना है। मोदी जी ना बहुत कुछ गरीब के लिए किया, अभी तक मोदी जी है तो सब शहर ठीक, सबके बाल बच्चा सही रास्ता पर चल रहा है, अगर मोदी जी नहीं रहेगा तो सबके बाल बच्चा बिगड़ जाएगा। कोई कैंडिडेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम मोदी के नाम पे वोट मिले देंगे, वोट जो भी होगा कुछ भी हो जाएगा मोदी के वोट देंगे। हम सब गरीब है, मछली बेचते हैं रोड पर, कुछ नहीं है, बाल बच्चा के कमाते हैं, पानी नहीं देता भगवान, कहूँ कमाई नहीं है, मछली लाते हैं खरीद के, जिंदो माछ अब नहीं मिल रहा है, कहाँ से बाल बच्चा पाँच गो कुमार है कहाँ से। नीतीश सरकार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है जी? ना लीख करके दिया, मला के फिर डब्ल्यू के जमीन है, मदन जी के कहा हमको हाथ में कागज दिया जो गरीब लोग के मछट्टा बना दीजिए पीछे, नहीं बनाया मदन जी, ताबे अति नहीं बना था मंत्री, और नीतीश जी हाथ में दिया कागज से गरीब आदमी सब है उसको बना दीजिए, अभी तक नहीं बनाया, फिर भी हम मोदी जी के नाम पर हम वोट देंगे, जो भी देंगे मोदी के सरकार बनाएंगे। यानी मोदी सरकार से संतुष्ट है यहाँ की जनता और मोदी सरकार को ही वोट देने की बात सामने आ रही है। हम चलते हैं कुछ और आगे, और लहरिया सराय का ही इलाका है ये, और कुछ और दूर चलेंगे और लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उनका भी मन मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। ये मिर्ज़ापुर चौक है जो दरभंगा के लहरिया सराय में स्थित है, और यहाँ पर हम जिस परिसर में खड़े हैं वो परिसर दरअसल राम मनोहर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा की है, जिसका अनावरण 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया था, और उस वक्त लालू प्रसाद भी उपस्थित थे यहाँ पर, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, वो भी महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो भी इस वक्त मौजूद थे बतौर वित्त मंत्री बिहार के। तो अब यहाँ की जनता, यहाँ के मछली व्यवसायियों से हमने जाना ये क्या कहती है, लेकिन अब हम कुछ आम लोगों से भी राय मशवरा करेंगे, उनसे भी उनका भी विचार जानने की कोशिश करेंगे, उनके मन में क्या है। लेकिन इस प्रतिमा की हालत को आप देखिए कि क्या जो हालत इनकी है, जब यहाँ पर न बत्तियाँ जल रही हैं और इसका दरवाज़ा इस तरह से खुला हुआ है, और गंदगी इतनी यहाँ पर पसरी हुई है, इसे साफ अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना ध्यान है लोगों को, ख़ासतौर से अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के समय लोहिया, जननायक, कर्पूरी ठाकुर और जेपी जैसे लोगों की बात की जाती है और उनके आदर्शों को याद किया जाता है, समाजवाद की दुहाई दी जाती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटे पहले अपना भाषण देकर गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां मौजूद थे, यहां के प्रत्याशी तो मौजूद थे ही, और वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई अपने भाषण के जरिए, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और लहरिया सराय के लोहिया चौक, दरभंगा का के लोहिया चौक पर हैं, जहाँ पर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति भी है, प्रतिमा भी है, और लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं मिथिलांचल में। मिथिलांचल का एक प्रमुख शहर है दरभंगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर, और बिहार की राजनीति बहुत हद तक यहाँ की राजनीति पर निर्भर करती है, मिथिलांचल की राजनीति पर निर्भर करती है, और इसलिए मिथिलांचल को हमेशा से खास फोकस किया जाता है, और मिथिलांचल पर हमेशा सभी पार्टियाँ खास ध्यान देती हैं। व्यवसायी हैं कुछ हमारे साथ, फल व्यवसायी हैं, क्या समस्याएँ हैं इनकी और क्या चाहती हैं, चूँकि चुनाव का वक्त है, नेताओं से क्या चाहती हैं? हम लोग को व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रहने का नहीं, रहने नहीं देता है, बाल बच्चा लेके के 10 रुपया कमाएंगे तब ना खिलाएंगे, तो व्यवस्था नहीं रहने देता है यहाँ पर, इसी के प्रॉब्लम है। तो आप लोग अस्थाई दुकान, अस्थाई समाधान वो चीज़ चाहिए, तो इसके लिए कभी कोशिश नहीं की आप लोगों ने, बात की किसी से? नहीं, कभी किसी से बात नहीं किए हैं, मगर रहने ही नहीं देता है, उजार पुजार आता है हटा देता है, बिलगा देता है, अतिक्रमण के नाम पर परेशानी होती है, और सही भी है कि अगर अतिक्रमण आप हटा रहे हो तो उसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए ताकि इनका भी व्यवसाय चलता रहे। सर आप बताइए, अंकल लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर एक बार नेताजी आप लोगों की शरण में है, कैसा नेता चाहते हैं? हम लोग पुलिस में है कन, इसीलिए हम लोग नहीं दे सकते। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए, आप लोग ये सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और सरकारी कर्मचारी किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये उनकी बाध्यता होती है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके पास चलेंगे। आप बताइए, चुनाव हो रहे हैं, फिर क्या परेशानी है आपकी, है क्या चाहते हैं, कैसा नेता हो, कितना विकास हो, क्या दिक्कत होती है, क्या समस्याएं हैं आप लोग? वही चीज़ का दिक्कत सर नहीं है हम लोगों,
खुश हैं आप लोग अपनी जिंदगी? हाँ खुश है जी। वोट देंगे फिर इस बार? हाँ फिर वोट देंगे सर। किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सर किसी को बने मगर वोट हमको गिराना है। वोट गिराना है किसी की सरकार बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ और फल व्यवसायी हैं हमारे साथ लोहिया चौक पर, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और किन चीज़ों को लेकर वो, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देते हैं। क्या है आपके मुद्दे और किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करते हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि मोदी जी जो है पूरे हिंदुस्तान, पूरे जनता, पूरे पब्लिक के लिए वो अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पर्सनली, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप पूरे मैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं। संतुष्ट हैं आप विकास से? जो अब तक विकास हुए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं विकास से और सारी समस्या से हम लोग संतुष्ट हैं कि अच्छे नेता हैं मोदी जी और हिंदुस्तान के लिए अच्छे रहेंगे, उन्हीं को फिर से मोदी जी को फिर से बनाना है। तो ये दरभंगा के लहरिया सराय की जनता है, लगभग ये बातें जो सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार के पक्ष में है। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करते हैं, क्या समस्याएं है आपकी हैं? हम तो चाहेंगे सर एक बार और बीजेपी। क्यों? अच्छा लगता है, अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार और उसका सरकार बने, बीजेपी सरकार एक बार और बने। संतुष्ट हैं विकास से? सर आपसे भी जाना चाहेंगे, नेताजी एक बार फिर आपके शरण में है, हम लोगों के शरण में है, सबके शरण में, वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ आप लोगों के, किन मुद्दों को आधार पर? बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली चल रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं और उनको जितना चाहिए जीतेंगे, वो जीतेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कितनी हद तक आप इसको जायज मानते हैं या अच्छा मानते हैं कि कोई नेता कल तक थे जिस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ के चले? गलत है, तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है दरभंगा में। कीर्ति आज़ाद तो चले गए, जो आपके कीर्ति आज़ाद का कोई टॉपिक यहाँ है कहाँ दरभंगा में? वो तो यहाँ बीजेपी मोदी और हाँ बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल मोदी। चलिए ये तो ये दरभंगा की जनता और दरभंगा के लोग हैं जो इस बार अपना मिजाज जो है वो एनडीए के पक्ष में बना रहे हैं। लहरिया सराय की अगर हम बात करें तो, चूँकि सभी इलाकों की बात नहीं, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं चुनाव को लेकर। सर आपके मुद्दे क्या हैं इस बार, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या आप तो कुछ तो सोचते होंगे, ऐसे हम यूथ हैं, हम भी तो सोचते हैं ना कुछ, रोजगार हो, विकास। दरभंगा का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक, बहुत जाम लगता है शहर में मेरे हिसाब से। इसके अलावा रोजगार विकास? रोजगार विकास की तो कमी है ये, लेकिन ट्रैफिक बहुत बड़ा मुद्दा है। और देश में ओवरऑल अगर देखा जाए, देश में जो पिछले 5 सालों में काम हुआ, जो क्या संतुष्ट हैं आप? जी संतुष्ट है। तो ये लहरिया सराय की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब तक जो काम हुए हैं उसे संतुष्ट नज़र आ रही है और साफ साफ इशारा भी कर रही है कि किस बार किसको वोट मिलेगा। लेकिन दरभंगा एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा इलाका है दरभंगा जो है, और सबकी नज़रें भी रहती है, मिथिलांचल का एक खास क्षेत्र भी है, मिथिलांचल का एक खास जगह भी है जहाँ दरभंगा, जिस पर सबकी नज़रें भी टिकी होती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अक्सर जहाँ लगभग जितनी बार भी चुनाव हुए हैं, प्रधानमंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, किसी भी गठबंधन के रहे हों, यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो ज़रूर यहाँ पर आते रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर किसकी जीत होगी और कौन यहाँ का जो सांसद बनेगा ये तो 23 मई को पता चलेगा। फिलहाल दरभंगा के लहरिया सराय से सनमार्ग लाइव के लिए कैमरामैन राकेश के साथ विद